गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग फोर्थ क्लास का मैथ पढ़ेंगे। अध्याय एक, संख्याओं का मेला। इस पाठ में हम लोग सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के बारे में पढ़ेंगे। इकाई संख्या एक से नौ तक होती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। उसके बाद हम लोग दहाई अंक में चले आते हैं। इकाई अंक में ही हम लोग एक जीरो लगा देंगे तो वो दहाई अंक बन जाएगा। जैसे एक और जीरो मिलकर क्या हो गया, दस। तो दस, बीस, तीस से लेकर नब्बे तक। और इसी दहाई अंक में हम लोग एक जीरो और लगा देंगे तो सैकड़ा बन जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि एक से लेके 900 तक, 100 से लेके 900 तक यहाँ पे सैकड़ा है। और सैकड़ा में ही एक जीरो और लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, हजार बन जाएगा। जैसे यहाँ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ हो गया 1000, 2000, 3000 से लेके पूरे 9000 तक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थ्री क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसे फिर से आप लोग को बता रही हूँ। इसे आप लोग समझिए तथा अपने नोट कॉपी में लिखिए। और इसी चीज़ से संबंधित यहाँ है विस्तारित रूप में लिखने के लिए। तो यहाँ मैं 4565 एक संख्या है ना, उसे किस प्रकार विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो जब भी हम लोग पहले इकाई दहाई पढ़ते हैं तो बाएं तरफ से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दाएं तरफ से नहीं, दाएं तरफ से पढ़ने से गलत हो जाएगा। तो यहाँ 4000 है तो हम लोग सबसे पहले 4000 लिखेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह, पाँच सैकड़ा 500, फिर जोड़ का चिन्ह, छः दहाई 60, फिर जोड़ का चिन्ह और पाँच इकाई 5। इसी प्रकार 7725 का भी विस्तारित रूप लिखा हुआ है, 8504 का भी विस्तारित रूप लिखा हुआ है। इसे भी आप लोग नोट कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे संख्या नाम। इंग्लिश में भी नंबर नेम दिया हुआ है, हिंदी में भी संख्या नाम दिया हुआ है। और रोमन संख्या के बारे में भी हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक से लेके पूरे इसे 50 तक दिया हुआ है। तो 50 तक इधर दिया हुआ, उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे दूसरे तरफ 51 से लेके पूरे 100 तक संख्या नाम तथा रोमन संख्या दोनों दिया हुआ है। तो इसलिए इस सभी सारी चीज़ों को आप लोग कॉपी में लिखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम लोग रोमन संख्या में यहाँ ध्यान देंगे कि एक से दस तक ये संख्याएं सभी जगह हम लोग उपयोग करते हैं और देखते भी हैं। और रोमन संख्या कैसे लिखा जाता है यहाँ देखिए आप लोग ध्यान से। रोमन संख्या एक के लिए हम लोग एक आई देते हैं, दो के लिए दो आई, तीन के लिए ट्रिपल आई, फोर के लिए हम लोग देखिए दाएं तरफ आई फिर भी लिखते हैं, पाँच के लिए भी सिर्फ लिखते हैं, छः के लिए भी और बाएं तरफ आई लिखते हैं, सात के लिए भी और बाएं तरफ डबल आई लिखते हैं, आठ के लिए भी फिर ट्रिपल आई, नौ के लिए हम लोग दाएं तरफ आई फिर एक्स लिखते हैं और दस के लिए सिर्फ एक्स लिखते हैं। तो इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से देखिए तथा कॉपी में आप लोग नोट करिए। स्कूल खुलने पर इसे मैं चेक करूंगी।
अभी मैं कुछ होमवर्क दूंगी, उसे आप लोग कॉपी में भी अपने से बनाइएगा। यहाँ विस्तारित रूप में लिखने के लिए, जैसे एक यहाँ देख रहे हैं आप लोग बना हुआ है, उसी प्रकार 2 से लेकर 7 तक और संख्या दिया हुआ है, इसे आप लोग अपने नोट कॉपी में लिखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को पहले बताई हूँ। सारे नोट कॉपी में आप लोग साफ और सुंदर से लिखें।